हिमाचल में इस मर्तबा 10 दिन पहले ही प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते बादल झमाझम बरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। शिमला में सबसे ज्यादा बादल बरस रहे हैं। आज दोपहर बाद प्रदेश के शिमला, सोलन, मंडी और चंबा जिला में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आगामी 2 दिनों में हिमाचल में ज्यादातर इलाकों में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान है। 2 दिनों बाद हिमाचल में मानसून की रफ्तार धीमी होने की उम्मीद है। उसके बाद करीब सप्ताह बाद दोबारा से मानसून सक्रिय होगा। हाँ, अभी जैसे जो प्री मानसून शावर थे वो पहले चल रहे थे, लेकिन जो मानसून है वो 13 तारीख को हिमाचल प्रदेश में अप्रोच कर गया था और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। और अभी जो पिछले 24 घंटे थे इसमें भी हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश रही। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बारिश रही, इवन जो शिमला सिटी था इसमें जो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। और अभी आज भी बारिश रहेगी, आज भी हिमाचल प्रदेश के जो मोस्ट प्लेसेस एरिया है इसमें बारिश हो सकती है। कुछ एक जगह पे हैवी बारिश की भी वार्निंग इश्यू की हुई है। हैवी बार जो बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला और सोलन और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आज हैवी बारिश होने की। बाकी जगह जो थंडर एक्टिविटी के साथ लाइट टू मॉडरेट बारिश जो होगी। अभी जो मौसम है ये आज जैसे ज्यादा रहेगा, कल कंपैरेटिवली जो है वो बारिश कम रहेगी, स्कैटर्ड प्लेसेस पे ही होगी। और उसके बाद जो आपने 18, 19, 20 तारीख है इसमें बारिश जो है वो बहुत कम रहेगी, आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही बारिश होगी। उसके बाद दोबारा से जो है वो मानसून एक्टिव होगा। किस तरह से देखा जा रहा है? हाँ, अभी तो जैसे पिछले दिनों में लगातार बारिश हो रही है तो जो बागवान है वो अभी जो आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो आने वाले दिन होंगे कल के बाद जो है बारिश में बहुत कमी रहेगी, तो इसलिए जो आउटडोर एक्टिविटीज है जैसे स्प्रे करना है वो आपने कर सकते हैं। बाकी जो हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं उसमें बारिश का बहुत लाभ होगा फार्मर्स के लिए। जो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई होनी थी तो वो टाइमली बुआई जो की जा सकती है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।